हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हेलो। सर, मैसेज आया है। हाँ सर, मैसेज चेक कर की बात कीजिए। ओके। सर मैसेज चेक कर लिया हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ सर, आपको अगर गाड़ी लेना है तो गाड़ी के लिए सर आप अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मेरे व्हाट्सएप पे। और इसी लिए मेरा कैश लेना है तो? हाँ अगर कैश लेना है तो अपना अकाउंट डिटेल इसी नंबर पर मैसेज करके कॉल कीजिए। ओके। अकाउंट डिटेल कैश कॉल करना पड़ेगा। हाँ सर, अकाउंट नंबर सर आपको क्या लेना है? आपको कैश लेना है या गाड़ी लेना है सर? तो कैश लेना है। कैश लेना है सर तो अपना अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम इसी नंबर पर मैसेज करके कॉल कीजिए। ओके। सिर्फ अकाउंट नंबर? हाँ, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम, IFSC कोड के साथ। ओके सर, कभी इसी नंबर पे? हाँ सर। कितना टाइम लगेगा आपको SMS करने में सर? 10 मिनट। ठीक है सर, 10 मिनट के बाद कॉल कीजिए। ओके, ओके। थैंक यू। हेलो। हाँ सर हाँ बोलिए। सर, आपका अकाउंट, हाँ सर आपका अकाउंट नंबर आ गया है। हाँ तो कौन से बैंक का है सर? बैंक ऑफ इंडिया। हाँ सर, मैं आपका चेक क्लियरेंस करवाने के लिए मैं सर का चैम्बर में जा रहा हूँ। ओके। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सर आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज भरना पड़ेगा, 8,400 ओनली पेमेंट करना पड़ेगा सर। क्यों? 8,400 आपको अभी पेमेंट करना पड़ेगा मेरे MD साहब के नाम से। पेमेंट क्यों करना पड़ेगा? जब पैसा उसमें मिल ही रहा है तो उसमें से काट लो पैसा। नहीं सर, ये प्रिंटेड चेक है, इसे अगर कटिंग होता है तो आपका चेक रद्द हो जाएगा। अरे वो मिलने वाला है ना, 14 लाख रुपया कितना मिलने वाला है, तो उसमें से काट के फिर पैसा हाँ भेज हाँ दो। हाँ 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 वही वही आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ओके सर। तो रजिस्ट्रेशन क्या करना, रजिस्ट्रेशन उसी में से पैसा काट के रजिस्ट्रेशन करवा दो ना। पैसा उसी में से कट के है, उसके बाद में अपना जो होगा वो। बोलिए। मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन पेपर यहाँ पे एक बनेगा, ठीक ना? हाँ क्या करना है? हाँ, तो इसीलिए आपको 8,400 पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपके मोबाइल पे एक मैसेज मिलेगा, ठीक ना? हाँ हाँ, तो मैसेज मिलेगा और उसके बाद आपके खाते को चेक कर सकते हैं सर 5 से 7 मिनट के अंदर में, ठीक ना? अच्छा। हाँ, तो आप पेमेंट करने में कितना टाइम लगेगा आपको सर? मैं अपना साहब का अकाउंट नंबर दूंगा। पेमेंट क्यों करना है यार, जब उसी में से पैसा काट के रिकवर नहीं हो जाएगा? नहीं सर, नहीं सर, इससे कटिंग नहीं होगा सर। अगर इससे कटिंग होता है, मैं बोल रहा हूँ ना, ये प्रिंटेड चेक है, अगर इससे कटिंग होता है तो आपका चेक रद्द हो जाएगा। ओके। गाड़ी लेना हो तो? गाड़ी लेना हो तो सर गाड़ी में ज्यादा खर्च पड़ जाएगा आपको, 14,900 ओनली पेमेंट करना पड़ेगा। उसमें भी पेमेंट करना पड़ेगा? हाँ सर, उसमें गाड़ी का जो PR पेपर होता है ना, वो बनाने के लिए जो खर्च लगेगा वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा सर। गाड़ी आ जाएगा उसके बाद बनवा लेंगे ना यार। नो सर, पहले यहाँ से गाड़ी का PR पेपर बनेगा तभी शोरूम से गाड़ी आपके बाहर में निकलेगी, नहीं तो कोई अलाउ नहीं है। नहीं बात, अभी तो उतना पैसा नहीं है यार, अभी कहाँ से मैं भेज दूंगा। तो आपके पास कितने रुपये है सर अभी ओनली? अभी तो नहीं है, अभी पैसा नहीं है। तो आपको अगर पैसे चाहिए सर तो आपको पैसे के लिए कम खर्च पड़ रहे हैं, 8,400 सिर्फ पेमेंट करना पड़ रहा है सर। तो आप पैसे जमा कर दीजिए और आपको काम यहाँ से हो जाएगा। आप अपने खाते को 5 से 7 मिनट में चेक कर सकते हो सर, ओनली 7 मिनट तक वेट कीजिए, उसके बाद अपने खाते को चेक कर सकते हैं, ATM से या पासबुक से कोई चीज़ से भी चेक कर सकते हैं सर। अरे सर, अभी उतना पैसा नहीं है, अभी मेरे अकाउंट में कहाँ से भेज देंगे, अभी पेमेंट हुआ नहीं है। तो कितना कितना आपके अकाउंट में अभी कितना पैसा आपके पास है सर? अभी तो अकाउंट में 2,000 रुपया पड़ा है। 2,000 में कैसे होगा सर? अभी नहीं अगर हुआ आपके पास, अगर आपके पास 6,000 रुपये ओनली हो तो आपका काम हो जाएगा सर। मैं 2,000 अपनी कंपनी की ओर से लगा दूंगा। ओके। नहीं, अभी तो 2,000 रुपया है, तो कैसे हो जाएगा? अब पगार वगैरह भी किसी, पेमेंट होने में भी टाइम लगेगा, 4-5 दिन। वो तो 10 मिनट के लिए किसी से आप ले लीजिए सर। ओके। हाँ अरे कोई अभी नहीं देने वाला है, यहाँ पे सब ड्यूटी करते हैं, और जब पैसा पेमेंट मिलता है तो सबका टाइम तारीख के बाद तारीख मिलता है, 10 तारीख को मिलता है पगार, पेमेंट मिलता है। 10 10 तारीख को पगार मिलता है सर, तो फिर ये आपका, फिर ये जो किस्मत आजमा रहा है वो आपको क्या होगा सर? इसी तरह से भी अपना काम को करवाइए और अपना पैसा यहाँ से ले जाइए। ओके सर। आप अपना एड्रेस पता ईमेल करो ना, मैं वहाँ से कुछ वहाँ ऑफिस में आके मिलता हूँ। टाटा नगर, जमशेदपुर, कांगड़ा रोड, साक्षी नगर, आदित्यपुर। सर ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं? नो सर, नो सर, इतना टाइम नहीं है मैसेज करने का। अगर आपको चाहिए तो अभी मैं आपको भेज सकता हूँ सर। तो ऑफिस में हम जाके सीधा मिल लेंगे ना वहाँ पे? टाटा नगर, जमशेदपुर आप आ सकते हैं सर। नंबर तो आपका बिहार का बता रहा है। नो सर, नंबर आपका बिहार का बता रहा है।
नो सर, नो सर, मैं टाटा नगर जमशेदपुर से बात कर रहा हूँ, लक्की कार सेंटर से, हाई ब्रांच से, लक्ष्मी इंटरप्राइजेस से। पेटीएम मॉल से बोल रहे हैं आप? हाँ सर, हाँ पेटीएम मॉल ऑफिस से। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, मैंने क्या परचेज किया ये बताइए, मैंने क्या परचेज किया था पेटीएम से? आपने जो जो मंगवाया था प्रोडक्ट सर? क्या मंगवाया था? यूनिस्टार इन एक्सपीरियंसर चप्पल। चप्पल मंगवाया था? हाँ हाँ सर, अभी पेमेंट हुआ नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा अभी तो सर कितना? हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ सर, आपके पास अभी कितना पेमेंट है सर? बोल नहीं रहा हूँ, 2000 रुपया अभी है पेमेंट। हाँ तो 2000 आप अभी पेमेंट कर सकते हैं सर, तो मैं साहब से बात कर सकता हूँ। अकाउंट नंबर मैं चेंज करूँ? अकाउंट नंबर सेंड कीजिए, इसी नंबर पर सेंड कीजिएगा, ठीक है? हेलो हाँ बोलिए। हाँ सर, आपको अकाउंट नंबर मिला सर? हाँ अकाउंट नंबर मिल गया। हाँ सर, तो आपको पेमेंट करने में कितना टाइम लगेगा सर? आधा घंटा लगेगा ना, बैंक में जाना पड़ेगा ना। हाँ सर ठीक है, पेमेंट करके कॉल कीजिएगा इसी नंबर पर। ओके सर, ओके ओके। उसके बाद क्या होगा, तुरंत पैसा आ जाएगा? हाँ सर। अच्छा, कितना पैसा आएगा? अभी आपका हाफ पेमेंट जाएगा। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। आपका भी हाफ पेमेंट जाएगा। ओके हाँ, उसके बाद? उसके बाद फिर आपको जमा करना, जितना बोलेगा उतना आपको जाएगा। फिर जमा करने के बाद, जमा करने के बाद पूरा जमा करेंगे तब जाएगा? हाँ सर। तभी हाफ करने का क्या फायदा? हाफ करने के बाद मैं मतलब आधा काम यहाँ से मैं करवा देता हूँ, ठीक ना? हाँ हाँ, उसके बाद आपका पूरा काम बाकी जमा करेंगे ना, पूरा फुल पेमेंट। हाँ तो होगा आपका काम। ओके तो फुल पूरा पेमेंट आता है तो पूरा फुल कर देंगे ना, दो बार एक ही बार में कर देंगे पूरा। हाँ, फुल पेमेंट। हाँ तो कब करेंगे फुल पेमेंट? अभी 2-3 दिन में देखता हूँ, किसी से पैसा लेना पड़ेगा ना। नहीं सर, ये वन डे का टाइम है, वन डे का लक्की ड्रा, ठीक ना? आज की डेट में आपको जमा करना पड़ेगा 8400। अभी 8400 रुपया अभी व्यवस्था करता हूँ, उसके बाद शाम तक आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, ओके। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ मिस्टर संजय शर्मा सर, अगर कहें तो मैं आपका पूरा प्रूफ आईडी सेंड कर सकता हूँ सर। ठीक है, आप सेंड कीजिए सर, आधार कार्ड अपना सेंड कीजिए। ठीक है, मैं आपको सेंड करना हूँ। आपका व्हाट्सएप नंबर कौन सा है सर? यही नंबर है। यही नंबर है जी। ओके, मैं आपको सेंड कर देता हूँ अभी, ठीक ना? ओके ओके। हेलो, हाँ सर। हाँ क्या हुआ सर? देखिए सर, मैसेज पे गया होगा, डाल दिया। क्या चीज से डाले हैं सर? बैंक से डाला। बैंक से? बैंक में ही था ना अभी तक, इसके लिए नहीं फोन उठा रहा था। ओ, तो बैंक में से तो आपको स्लिप मिला है ना? हाँ स्लिप आपको मिला है ना बैंक में? हाँ हाँ हाँ, तो स्लिप तो व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप करूँ? हाँ वही नंबर, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको देता ना। अरे आपका नंबर थे? नहीं नहीं, मैं नंबर देता हूँ 99310। अरे वो जो नंबर दिए तो उसपे कहाँ व्हाट्सएप बता रहा है? हाँ नोट कीजिए, 99310 मैसेज कर दूँ? 99। हाँ मैसेज कीजिए। ठीक है, मैं मैसेज कर देता हूँ। ओके, अरे डाल दिया हूँ अभी, देखिए मैसेज चेक कीजिए आप, अकाउंट चेक कीजिए। ठीक है, मैं अभी चेक करके आपको बताता हूँ। मैं आप स्लिप को व्हाट्सएप कीजिए। ओके सर, ओके ओके। मैं जो व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ ना 99310, अरे मैसेज कीजिए ना नंबर हुआ। ठीक है, मैसेज करता हूँ।